Hello everyone, welcome to my channel Versus Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on first shifting theorem and then some other theorem. So first of all I discuss the problem on first shifting theorem. कल हमने discuss किया था इसके theorem के बारे में और इसकी सारी theory के बारे में. तो चलिए start करते हैं आज question जो कि है first shifting theorem के ऊपर. पहला question है लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इंटू टी पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस a पावर n प्लस वन. और दूसरा है लाप्लास ऑफ e टू द पावर at cos bt इक्वल टू s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और थर्ड क्वेश्चन है l दैट इज लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इंटू साइन bt इक्वल टू b अपॉन s माइनस a प्लस b स्क्वायर. तो हम इसको वन बाई वन करेंगे. सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे जो है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर एटी इंटू टी पावर एन. इसे हमें लाना है एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन. तो कल हमने पढ़ा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वहाँ से हम लिख सकते हैं कि इफ या हम ऐसे लिखें if Laplace of ft equal to f of s, then Laplace of e to the power at ft is equal to f of एस माइनस ए. ये था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का रिजल्ट. लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल होता है एफ ऑफ एस माइनस ए. तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे. हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एफ टी के जगह पे क्या है टी पावर एन, और ये बिल्कुल सेम है ई टू द पावर ए टी और ई टू द पावर ए टी. तो चलिए इसी को हम लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्म निकाल लें. हमें एफ टी का मान क्या है, एल ऑफ एफ टी. तो हियर एफ टी इज इसको और इसको कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो हमें एफ टी का मान क्या मिलेगा, एफ टी की जगह पे है टी पावर एन. तो अगर हम इसका लाप्लास निकाल लें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा. तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी पावर एन, और इसका मान होता है टी पावर एन का. हम पहले वीडियो में बताए थे इसको, अगर नहीं देखा हो तो पहले उसको देखना पड़ेगा. तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, ये होता है लाप्लास टी टू द पावर एन का. तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एफ एस का मान कितना होगा. यही तो है हमारा एफ एस, क्लियर. तो फाइनली हमें मिल गया कि एफ एस की वैल्यू क्या होगी. तो एफ एस होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन. अब चाहे तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. अगर हम यहाँ पे एस की जगह एस माइनस ए पुट कर दें तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से. तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहीं से हम दोनों तरफ पुट कर दें एस के प्लेस पे एस माइनस ए. कुछ नहीं था, सिर्फ हमें यहाँ से एफ टी को निकालना है और दोनों तरफ से लाप्लास लगा लेना है. जो आएगा वो हमें एफ एस की वैल्यू देता है, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी डिफाइंड है एफ एस के इक्वल होता है. यहाँ से हम सिर्फ एस को चेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. तो सब्स्टिट्यूट एस माइनस ए फॉर एस बोथ साइड, तो अपने आप हो जाएगा ये एफ ऑफ एस माइनस ए, ये एस माइनस ए इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन.
क्लियर। और यही हमारा किसके बराबर है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, जो हमारा क्वेश्चन था। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। कुछ नहीं था, सिर्फ हमें पहले लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है जो हमें एफ एस देगा, फिर हम चाहे तो केवल एस को रिप्लेस करके इस तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर। उसी तरीके से हम दूसरा वाला करेंगे, सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी कॉस ऑफ बी टी। अब इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से देखें तो ये क्या है, ये है हमारा एफ टी। सो लाप्लास ऑफ, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो ये हमें देगा लाप्लास ऑफ कॉस बी टी। और इसका फार्मूला हमने बताया था पहली वीडियो में कि लाप्लास कॉस ऑफ ए टी क्या होता है, तो इसका मान होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। ये सीधे फॉर्मूले से है, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ समथिंग का वैल्यू इतना होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे तो फिर से हमारा क्या होगा, एस की जगह एस माइनस ए, और ये एक तरह से एफ एस की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वल टू है एफ एस, एंड दिस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं एस को एस माइनस ए से, तो क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, हम दोनों साइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एस माइनस ए अपॉन, यहाँ भी हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये है दूसरा क्वेश्चन, क्लियर। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे सिंपल, सिर्फ यहाँ साइन है, साइन ऑफ बी टी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ बी टी में यहाँ पे आएगा बी, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, फिर से वही काम हमें करना है, हमें ये एफ एस की वैल्यू दे रहा है, जब एस माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बस हो गया, क्लियर। तो काफ़ी आसान है ये। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और थ्योरम, तो ये रहा थ्योरम, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी डेरिवेटिव का, जैसे हमारा फंक्शन होता था एफ टी, एफ टी इक्वल टू कॉस टी या साइन टी या टी या ई टू द पावर ए टी वगैरह कुछ भी, तो अगर अब हम क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ऐसा फंक्शन फिर उसका डेरिवेटिव, तो वो टी का फंक्शन हो या यू या किसी चीज़ का फंक्शन हो, उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो थ्योरम है, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ टू द पावर एन, दिस इज nth डेरिवेटिव, एफ एन टी, एफ एन टी स्टैंड्स फॉर डी एन बाई डी टी वन एफ डी एफ टी, तो nth डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, दिस इक्वल टू एस टू द पावर एन एफ एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस टू द पावर एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो माइनस डॉट 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 एस एफ टू द पावर एन माइनस टू ज़ीरो डॉट डॉट एफ एन माइनस वन, बल्कि यहाँ डॉट नहीं होगा, सिंपली इंटू माइनस साइन होगा। लेट्स मी चेक, सो इट इज़ करेक्ट। सो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें nth डेरिवेटिव बताना है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास निकालेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव दिखाएंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव,
उसके बाद हम दिखा देंगे कि एंड सो ऑन इसी तरीके से आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो गिवन है, गिवन गिवन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो जैसा कि मैंने कहा इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश टी, हम डैश ले रहे हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको हम लिखेंगे तो बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी एंड देन डी टी। दिस इज बाय डेफिनेशन, क्लियर। एल ऑफ एफ टी एंड दिस इज एफ टी, क्लियर। तो जो यहाँ होता है वही चीज़ यहाँ होता है बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एफ डैश डी बाई डी टी ऑफ एफ टी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी एफ बाई ऐसा डी टी या कुछ इस तरह से, क्लियर। या सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम यही चीज़ यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं डी बाई डी टी एफ ओ टी, क्लियर। सो दिस होल टर्म इज एफ डैश टी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दो टर्म है, यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते समय हम फर्स्ट और सेकंड चुनने में बहुत ध्यान देते हैं। तो अगर यहाँ डेरिवेटिव जैसा टर्म लग रहा है तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं और इसको सेकंड पार्ट मानेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, तो क्या मिलेगा, हमने इसको इंटीग्रेशन लेना है तो e टू द पावर माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट एफ टी मिल जाएगा, फिर इसके ऊपर लिमिट ज़ीरो टू इन्फाइनाइट माइनस एंड देन ज़ीरो टू इन्फाइनाइट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसको हमने मान रखा था सेकंड पार्ट मानते हैं इसको, इसको फर्स्ट मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी, और फिर माइनस एस का करेंगे तो माइनस एस टी का एस हो जाएगा, फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा एफ ऑफ टी एंड देन सिंपली डी टी, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल इंटीग्रेशन है बाय पार्ट, क्लियर। वो हमें मिटाना पड़ेगा उधर ऊपर, अगर हम यहाँ इनपुट करेंगे वैल्यू तो इनफाइनाइट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट ज़ीरो होता है, और दूसरी बार अगर हम t के जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये f ऑफ ज़ीरो देगा। तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये है लाप्लास ऑफ f डैश t इक्वल टू, सो फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट ज़ीरो होता है, और जब दूसरी वैल्यू रखेंगे ज़ीरो तो इसका मान वन होगा और यहाँ एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा विथ माइनस साइन। सो ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, इसको देखते हैं तो ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एस, और यहाँ बचेगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, क्लियर। तो लिमिट रखने से इनफाइनाइट रखेंगे तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वजह से
लेकिन जब जीरो रखेंगे तो ये वन होगा और ये एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, और सेकेंड टर्म से माइनस एस को बाहर करेंगे तो प्लस एस, और ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एस, और ये पूरा टर्म क्या डिनोट कर रहा है, ये पूरा टर्म डिनोट कर रहा है लाप्लास ऑफ एफ टी को। क्लियर, ये कहाँ से, बाय डेफिनेशन लाप्लास का जो डेफिनेशन था लाप्लास ऑफ एफ टी को हम इतना लिखते हैं, ये पहले ही वीडियो में था इसका डेफिनेशन। तो हमें क्या मिला फाइनली, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस, एंड इस लाप्लास ऑफ एफ टी को लिख सकते हैं एफ ऑफ एस, ये सिंपली हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ नॉट। क्लियर, तो ये भी एक फॉर्मूले की तरह मान सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। तो हमने फर्स्ट के लिए शो कर दिया कि जब हमारा फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव का होगा तो उसका लाप्लास हम इस तरीके से कर सकते हैं ऐसा। क्लियर, हमें जो क्वेश्चन बताना है उसमें हमें एफ एन बताना है यानी एनथ डेरिवेटिव प्रूफ करना है थ्योरम में, लेकिन हम अभी पहले एक दिखाए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव दिखाएंगे, फिर थर्ड, और उसी तरीके से बता देंगे कि वो एन तक कैसे जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास। अब हम सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे सपोज, या ऐसे ही हम केवल चेंज कर रहे हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज इन अदर इन अनदर टर्म एज लाप्लास ऑफ, सपोज कर रहे हैं हम कोई एक नया फंक्शन जी टी डैश जी टी, सिंपली एफ की जगह हम जी से रिप्लेस कर रहे हैं एस, और ये हो जाएगा सिंपल जी एस, जैसे एफ एस है वैसे ही जी एस माइनस जी ऑफ ज़ीरो। तो कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ हमने एफ को जी में चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि लेट जी टी इज, और ये काम हम दोनों साइड करेंगे इसलिए हम ऐसा कुछ सपोजिशन कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं एफ डैश टी, ऐसा इसलिए मानेंगे कि जब हम इसका डैश यहाँ करेंगे प्राइम करेंगे तो ये इसका डबल लाप्लास देगा। तो इसको हम पुट करेंगे ऊपर तो क्या मिलेगा, ये ऑलरेडी एफ डैश है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एफ डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पे एस, इसको हम चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं इस जी एस को एक तरह से, हम इसको लिख सकते थे जी एस को इसी के फॉर्म में एल ऑफ जी टी, एल ऑफ जी टी, और यहाँ पे क्या है एफ नॉट, ये वाला ये हो जाएगा जी ऑफ नॉट, लेकिन हमने यहाँ चेंज किया है तो हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो जी ऑफ टी को हम क्या लिखेंगे, एफ डैश टी, यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश टी, समझिएगा हम कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हैं, इसको हम उसी फॉर्म में रख रहे हैं जो ये वाला फॉर्म था ऐसा, ये वाला एस और ये जी एस जो एफ एस था, एफ एस को हमने जी एस लिखा था, या सिंपली इसको हम अगर अदर फॉर्म में चेंज कर पाते, जैसे ये हमको यही चीज़ हम यहाँ अगर लिख लें तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ, समझिएगा जरा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ऐसा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ जी टी, हमने कोई चेंज नहीं किया, जो हमने वहाँ चेंज किया था उसको करेक्ट कर लिया उसी तरीके से, तो एस
और यहाँ f को सिंपली हमने g लिख दिया है, जहाँ जहाँ f है वहाँ पे g है और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हम नोटेशन चेंज कर रहे हैं। जो फंक्शन f था उसे हमने यहाँ g लिख लिया, फिर हम इसको जी टी को कुछ इस तरह से माने हैं, तो इस जी टी की जगह पे भी हम वही रखेंगे एफ डैस टी। क्लियर? अब क्या करेंगे, s और जो l ऑफ एफ डैस टी है उसका मान यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर? और यही इक्वल था, इसको हम पूरा लिख लें, ये था s और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ एस माइनस एफ ओ ज़ीरो, ये था पूरा। क्लियर? यही चीज़ हम यहाँ पुट करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ डैस टी, ये सारी चीज़ इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट एस एफ ऑफ एस माइनस एफ नॉट एंड माइनस, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम ने मान रखा है जी टी को एफ डैस टी, तो यहाँ पे जो जी ज़ीरो है इसको हम क्या लिखेंगे एफ डैस ज़ीरो, ये हो जाएगा हमारा एफ डैस ज़ीरो। क्लियर? इस पूरी लाइन में हमने जी टी को रिप्लेस किया है एफ डैस टी से। ये थोड़ा सा टफ है, इसे ध्यान से देखिए, जी टी को हमने रिप्लेस किया है एफ डैस टी से, तो हमारा जो जी डैस टी था ऑलरेडी डैस है यहाँ पे और यहाँ एफ डैस है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल टू एस फिर एल और जी टी एफ डैस टी माइनस एफ डैस ज़ीरो, क्योंकि जी इक्वल टू एफ डैस हमने माना है, तो एफ डैस ज़ीरो ये हो गया हमारा, ये फिर माइनस एफ डैस ज़ीरो। क्लियर? इसी क्वेश्चन को यूज़ करके हमने यहाँ पुट किया है। अब हम इसे इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ ऐसा, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ नॉट या एफ ज़ीरो, एफ नॉट नहीं एफ ज़ीरो कहेंगे, एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये रहा लाप्लास ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, एफ डबल डैश इज सेकेंड डेरिवेटिव, सो दिस इज लाप्लास ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एंड दिस इज लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, जी वाला दो के लिए। क्लियर? तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये है लाप्लास और सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये। क्लियर? उसी तरीके से हम थर्ड के लिए भी दिखा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड निकाला था। यहाँ भी अगर हम उसी तरीके से सपोज कर लें, सो सपोज एक नया कोई फंक्शन ले लेंगे, तो सपोज करेंगे पहले तो हम सिर्फ ऐसे ही चेंज कर लेते हैं, इसको हम पहले इस तरह से लिख लेंगे, तो फ्रॉम एबव रिलेशन या इक्वेशन, रिलेशन कहें या फिर हम इक्वेशन बोले,
equation we can write in terms of another function, suppose h. So L of h double dash clear of t, and this is equal s square. और इसको हम चाहें तो लाप्लास के फॉर्म में ही लिखें तो ये क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी. ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. सो इसको हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी. सेम है पूरा, केवल हम एफ को एक तरह से एच में कन्वर्ट कर दिए. सिंपल, एफ को एच के रूप में लिख रहे हैं, माइनस एस एच ऑफ ज़ीरो एच ज़ीरो माइनस एच डैश ज़ीरो. क्लियर, तो कोई कन्फ्यूज़न अभी तक नहीं होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से मानेंगे जैसे जी टी में हमने माना था. तो अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव चाहिए तो हम एच को क्या मान लें, एच को एक तरह से एफ डैश मान लें. तो अगर हम एच को एफ डैश मानेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एच का जब डबल करेंगे तो हमारा थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा. तो हम वही काम करेंगे, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे एफ डैश से. तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, और इक्वल हो जाएगा एस स्क्वायर एल, एंड दिस इज एफ डैश टी माइनस एस. ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ज़ीरो एंड माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो. क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सिंपल, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे हम एफ डैश यूज़ कर रहे हैं. क्लियर, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, एस स्क्वायर एल ऑफ एफ डैश टी. ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, वहाँ से हम लिख सकते हैं. तो वो क्या था, वो था एस ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, राइट. जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट डेरिवेटिव, लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन फर्स्ट से हम लिखेंगे इसको. तो यही था माइनस एस एफ डैश ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो. क्लियर, ये सारा कैपिटल एफ है ऐसा. फिर हम सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एस क्यू एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस माइनस एस एफ डैश ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल टू एल एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टी. सो दिस विल गिव द थर्ड लाप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर थर्ड. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम थर्ड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का लाप्लास कैसे करेंगे. तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो इसमें हमें एक चीज़ नोटिस हो रही है, वो ये है कि यहाँ पे जो थर्ड डेरिवेटिव में है वहाँ पे एस का पावर थ्री है, उसके बाद क्या हो रहा है, एस का पावर घटता जा रहा है, एस का पावर थ्री, एस का पावर टू, और उसके बाद एस आ रहा है, यानी एस का मान डिक्रीज होता जा रहा है. जो हमारा nth डेरिवेटिव था उसमें हम देखेंगे तो हमें यही दिखेगा थ्योरम में, sn था पहले, फिर उसके बाद fs था, फिर माइनस करके sn माइनस वन था, फिर f नॉट था ऐसा, फिर था माइनस s, फिर था एक n माइनस वन, तो n माइनस वन, और जो लास्ट में था थ्योरम में, लेट मी चेक,
एस एन माइनस वन एफ नॉट माइनस एस ठीक है एन माइनस टू। तो उसी तरीके से एस का पावर घटता जा रहा है एन एन माइनस वन तो तीन दो और एक, उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा आपका एस एन माइनस वन, दिस इज एस एन माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस एस माइनस टू एफ डैश ज़ीरो। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वैसे ही रहेगा, फिर हो जाएगा यहाँ एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम इन जनरल टर्म लिख सकते हैं, तो हम वो थ्योरम को पा सकते हैं जो स्टार्टिंग में था। क्लियर? तो इसी का हमें जनरल टर्म आगे बढ़ाना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दोनों का पैटर्न देखेंगे तो वो कुछ इसी तरीके से है, पहले थ्री फिर टू फिर वन इस तरीके से। तो एस के पावर घटते जा रहे हैं जो कि थ्योरम में भी था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल का, जो अगर इंटीग्रल टाइप्स के फंक्शन हैं इंटीग्रल में दिए हुए तो उनका लाप्लास कैसे करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स तो थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब क्वेश्चन आएंगे आगे। तो कुछ इस तरह से थ्योरम है, इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन प्रूव दैट लाप्लास ऑफ जीरो टू टी एफ यू डी यू इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। तो ये हमें लाना है, ये है थ्योरम में। तो ये रहा इंटीग्रल, इसी इंटीग्रल का हमें लाप्लास करना है, इंटीग्रल ओवर जीरो टू टी एफ यू डी यू। तो थ्योरम क्लियर है, हमें लाप्लास पता है किसी एफ टी का, उसका उसके इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू डी यू का मान हमें बताना है एफ एस अपॉन एस। तो हम क्या करेंगे, हम वहीं से शुरू करेंगे, पहले हमें गिवन है, गिवन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये डिफिनेशन से भी यही होता है। फिर हम इसको लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस इज एल ऑफ ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू एंड डी यू, तो दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन ज़ीरो टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी। हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिखते हैं, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी एफ टी डी टी। सो हियर दिस होल टर्म इज लुक लाइक एज एफ टी, सो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे एफ टी, हम इसको थोड़ा अलग से लिख लें। एफ टी का मान यहाँ पे क्या है, ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू एंड डी यू, क्लियर। और ये रहा हमारा डी टी, तो ये जो एफ टी है वो पूरा यहाँ पे क्या है, ज़ीरो टू टी, ये चीज़ है पूरा, क्लियर। एफ टी के प्लेस पे ज़ीरो टू टी एफ यू डी यू, ये हमारा क्वेश्चन से है। अब हमें क्या करना है, इसको हम चाहें तो यहाँ पे ला सकते हैं सिंपल, या फिर डायरेक्ट हम इसका बाई पार्ट करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन टर्म है इसका हम क्या करें, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो अच्छा रहेगा, अगर किसी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम डाल दें फर्स्ट पार्ट में और इसको सेकंड पार्ट में, या इसको फर्स्ट में डालें इसको सेकंड में डालें, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो क्या होगा, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एस टी, नहीं नहीं इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन इज ज़ीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस,
अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और फिर इसका हमारा आ जाएगा dt। दिस इज क्लियर, ज़ीरो टू इनफाइनाइट, फिर आएगा माइनस ज़ीरो टू इनफाइनाइट, फिर से इसका हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, इस होल टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ यू का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिंपली आएगा एफ यू, और फिर हम जब लिमिट रखेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा एफ टी। तो जो ये होल टर्म है, ये होल टर्म वो हमें क्या देगा, एफ ऑफ टी। तो सिंपली हमें यहाँ मिल रहा है एफ ऑफ टी, उसके बाद ई टू द पावर माइनस एस टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, ये फिर से वही आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, सिंपल सा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे आएगा हमारा डी टी, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट यहाँ पे लिमिट में, तो इसकी वजह से पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्लियर, और दूसरा टर्म जो दिख रहा है वो ये है ज़ीरो वाला, तो ज़ीरो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ज़ीरो टू ज़ीरो हमारी लिमिट जो हो जाएगी, ये हमारा अगर एफ टी आता है, फिर हम ज़ीरो जब रखेंगे तो वो क्या देगा, वो देगा एक तरह से ज़ीरो हो जाएगा ये भी, क्योंकि एफ ज़ीरो और लिमिट अगर हम ज़ीरो टू ज़ीरो करेंगे तो एक तरह से ये क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, तो ये होल टर्म ज़ीरो होने वाला है, तो इसको हम गायब कर देते हैं पूरा का पूरा, ये सारा टर्म हो जाएगा ज़ीरो, बचा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और एस को हम बाहर अगर ले लें तो वन बाई एस, क्लियर, और अंदर जो बच रहा है ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, ये क्या है, डेफिनेशन से देखिए, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ज़ीरो टू इनफाइनाइट को हम क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी या एफ एफ एस, तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं एफ ऑफ एस, और यही तो हमें लाना था, लाप्लास ऑफ ज़ीरो टू टी एफ यू डी यू इक्वल टू एफ एस अपॉन एस, दिस इज एफ एस अपॉन एस, तो दिस इज़ वेरी इजी। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, इतना कुछ कठिन नहीं है, शर्तें ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये इतना आसान भी नहीं है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। तो अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबल कल ही आ जाएगा, तो आप बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखते जाइए, फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक सारी चीज़ें, कल इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले इस थ्योरम को जानते रहें, कैसे सॉल्व करना है सारी चीज़ें, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।